आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो लो। दिल्ली सेवा बिल पास होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखते हुए न सिर्फ इस बिल की महत्ता और आवश्यकता बताई, बल्कि विपक्षी पार्टियों को समय समय पर आड़े हाथों लिया। पहले आप पार्टी को और फिर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने यहां तक कह डाला कि इस बिल को रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर आया। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूँ कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस आज़ादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण है जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आया, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला है। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी। मान्यवर, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की। मगर विश्व में कोई भी विज्ञान का नियम है, कोई भी चीज अकारण नहीं होती। ये विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया, ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड को नहीं बनाया गया, जल विभाग को नहीं बनाया गया, मान्यवर रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया, ये सारे शासन के साथ जुड़े हुए भी नहीं है क्या? ये किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। अब मैं इस कारण बताना चाहता हूं कि सदन में विजिलेंस में क्यों जल्दी हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, केशव राव जी कहते थे हम तो ना इनके साथ है ना उनके साथ है, ना आपसे जुड़ाव है ना उनसे जुड़ा है। बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहां बैठे हो। मान्यवर, मैं कहता हूं शीश महल में क्या असंसदीय है, चर्चा करे जरा खड़े होकर। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जरा समझाइए। हम कुछ नया नहीं लाए, मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है, फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें।
ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में अमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई, मैं बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस पार्टी से वो इसलिए अलग हुए, कि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जेडीएस, ये नीतीश कुमार जी है। जेडीयू ये नीतीश कुमार जी है, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध कर हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कहते थे, मैं पान का बंडवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, लालू के साथ नहीं जाऊंगा। और मान्यवर, ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से, ठीक है भाई, चलो एक सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। यहां तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर, मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा के लिए खड़गे साहब हाँ बोल दे, मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मान्यवर, ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है
कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ सो तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।